24 में सरकार आई तो इसकी नियत प्रजातंत्र के प्रति, जनतंत्र के प्रति ठीक नहीं है। वही चाहती है कि पुराना मनवाद का संविधान लागू हो। जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं होंगे, क्योंकि मशीन में गड़बड़ियां हैं। जब पोलिंग बूथ में लेकर के हम लोग इसका डेमो करते हैं, तब ये समझ में आता है कि कोई बटन दबाओ किसी उसमें जाता है, तो इससे जाहिर होता है कि किया नहीं किसी ने, लेकिन सिस्टम तो है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांधता का वातावरण बना करके लोगों को गुमराह किया है और वादे करके भूल गई, धर्मांधता में भटका दिया। क्या तो ईवीएम बंद होगा और या कि प्रीपेड पर्चे की गिनती होगी, और नहीं तो जनता जो है अब ईवीएम को जलाएगी। क्या कहेंगे, लगता है कि इन 3 महीनों के अंदर अंदर बैलेट पेपर आ जाएगा और ईवीएम बंद कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए ये चुनाव जो है ईवीएम के लिए इस वजह से भी हो रहा है कि ये 24 का जो चुनाव है वो जिस तरह से अब तक के चुनाव होते थे उस तरह का चुनाव नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार बैठी है वो हमारे जो देश के संसाधन है उन सारे संसाधनों को पूंजीपतियों के कब्जे में दे रही है। जितने हमारी संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनकी स्वायत्तता को समाप्त करना चाहते हैं, और इसी वजह से अगर 24 में सरकार आई तो इसकी नियत प्रजातंत्र के प्रति, जनतंत्र के प्रति ठीक नहीं है। वही चाहती है कि पुराना मनवाद का संविधान लागू हो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्थिति में इस देश के किस्मत का क्या होगा, जनतंत्र के भविष्य का क्या होगा, जनता के भविष्य का क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जब सरकार की नियत नहीं है प्रजातंत्र के प्रति, संविधान के प्रति, तो इसी निश्चित रूप से जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं होंगे, क्योंकि मशीन में गड़बड़ियां हैं। जब पोलिंग बूथ में लेकर के हम लोग इसका डेमो करते हैं, तब ये समझ में आता है कि कोई बटन दबाओ किसी उसमें जाता है, तो इससे जाहिर होता है कि किया नहीं किसी ने, लेकिन सिस्टम तो है। तो जो सिस्टम धोखे से हो सकता है, अचानक हो सकता है, वो सिस्टम किया भी तो जा सकता है। और सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, सरकार की नियत जनतंत्र के ऊपर ठीक नहीं है, इसका दुरुपयोग करना चाहती है, इसी वजह से चुनाव आयुक्त के चुनाव को भी निष्पक्ष नहीं रहने दिया। वहाँ पर भी जो चीफ जस्टिस थे उनको हटा करके कैबिनेट के एक मंत्री को किया, ताकि मनमानी तरीके से हम चुनाव आयुक्त की नियुक्त कर सकें और हमारे तरीके से चुनाव आयुक्त का हम उपयोग कर सकें और हमारे लिए काम करें। तो ऐसी स्थिति में अगर जब इसके प्रति संदेह है, अगर ये वोटिंग मशीन रहेगी, यही स्थिति रहेगी, तो निश्चित रूप से जनतंत्र को न्याय नहीं मिलेगा, जनतंत्र की हत्या हो जाएगी। इस वजह से जरूरी ये है कि इस देश के जनतंत्र की ताकत जनता है और जनता ही प्रजातंत्र का प्राण है। अगर प्रजातंत्र को बचाना है तो निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है, और निष्पक्ष चुनाव होना है तो ईवीएम को बदलना होगा, और अथवा उसमें प्रीपेड से जो पर्ची निकलती है वो पर्चे सबको देखने का अधिकार हो, पर्ची निकले, मतदाता वो देखे अपने आँखों से कि ये पर्ची सही है, और उसको एक दूसरे डब्बे में डाले ताकि उस पर्ची का भी काउंटिंग हो सके, जिससे इस देश की जनता को न्याय मिल सके। बीजेपी का दावा है कि वो ईवीएम से नहीं, जनता के प्यार से जीतती है, जनता उसे प्यार दे रही है। जनता प्यार तो जनता प्यार जो है कुछ नहीं दे रही है। वो जो है जनता धर्मांधता में भटका करके, गुमराह करके, भय दिखा करके, ईडी, सीबीआई, ये सारे मुद्दे के वजह से जनता का वोट ले रही है, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है। और जनता का विश्वास पर अगर भरोसा होता तो इस तरह से देश बेचने का, इस तरह से हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कोई मतलब नहीं था। लगातार जो है वकील जो है सड़क पर आ रहे हैं, उतर रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उस बीच विपक्ष दिखाई नहीं देता और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपके आपके समर्थन में विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं, विपक्ष दे रहा, विपक्ष भी आपने रणनीति बना रहा, रणनीति के तहत विपक्ष भी ईवीएम के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है, करेगा। और इसमें जब तक कोई चीज़ में जनता का
माने भरपूर समर्थन नहीं हो तब तक कोई कामयाबी नहीं मिलती। और अब इस मशीन के बारे में हमारे जनतंत्र की जनता भी जो है ये कहने लगी, उसको विश्वास हो गया कि हमारा वोट लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, हमें ईवीएम नहीं चाहिए या प्रीपेड की पर्ची चाहिए। ये अब जनता की आवाज़ है और जब जनता की आवाज़ उठती है तो कोई नेता चाहे न चाहे वो परिवर्तन की दिशा में काम करना पड़ता है। आप कह रहे हैं विपक्ष जो है रणनीति बना रही है, उस पर काम करेगी विपक्ष, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष कुछ ज्यादा ही देर हो गई है? नहीं नहीं, कोई देर नहीं हुई है। विपक्ष उस आवाज को उठा रहा, अभी जो हमारा इंडिया का गठबंधन है उसने भी एक प्रस्ताव पास करके दिया है सरकार को कि भाई पीपैट की पर्ची जो है उसकी काउंटिंग होनी चाहिए ताकि माने इस देश की जनता को न्याय मिल सके। सड़कों पर आते हुए नहीं दिखाई देता और लोग कह रहे हैं कि अगर ईवीएम में दिक्कत है तो विपक्ष आए सड़क पर और बताए कि हाँ भी ईवीएम में दिक्कत है। नहीं तो इंतजार कर लें, अहित प्रजातांत्रिक सारी व्यवस्था होती है, आदमी पत्र लिखता है, सदन के अंदर बात कहता है, पब्लिक पेट पर कहता है, और जब सरकार बहरी हो जाती है, किसी तरह सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तो सड़क पर भी आएंगे, सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ी जाएगी। 3 महीने ही बचे हैं और अभी भी आपको इंतजार है? 3 महीने बहुत होता है लड़ाई के लिए। निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी और सरकार को बंद करना पड़ेगा, पीपेट की पर्ची की गिनती करना ही पड़ेगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी ईवीएम का जिक्र हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये तो देखिए यात्रा जो है यात्रा का अलग क्षेत्र है, जिन भावनाओं को जिन चीजों को लेकर के यात्रा राहुल जी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं राहुल जी के साथ क्या हो रहा है। राहुल जी तो भारत जोड़ना चाहते हैं, लोगों के विश्वास को जोड़ना चाहते हैं कि भाईचारे की भावना मजबूत हो और किस तरह से सामाजिक न्याय का लाभ जनता को मिले, और उसमें पत्थरबाजी हो रही है, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, ये क्या इंगित करता है कि सरकार जो है तानाशाही रवैये पर अपना रही है और मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, जबकि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, अपना काम करने का, तो इससे ही इस सरकार का चरित्र उजागर होता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को या कांग्रेस को जनता नकार रही है और उसको समर्थन दे रही है, और वही 3 राज्यों में हुआ 5 राज्यों के चुनाव में। नहीं देखिए, वोट देना जो है विश्वास अर्जित करना अलग बात है और वोट देना अलग बात है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांधता का वातावरण बना करके लोगों को गुमराह किया है और वादे करके भूल गई, धर्मांधता में भटका दिया लोगों को, 2 किलो राशन दे करके, 5 किलो राशन दे करके जिस तरह से उनके स्वाभिमान सम्मान को ठगने का प्रयास किया है, अब उस चीज़ को जनता भी समझ रही है और जनता भी, वोट में क्या अंतर है, वोट में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उसमें नाम मात्र का अंतर है, तो कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक गिनती की उसमें उसको सीटें मिल गई, सरकार बन गई, लेकिन बहुत जनता के विश्वास का जहां तक सवाल है तो ऐसी जनता का विश्वास नहीं मिला है और अब तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास मिलने वाला नहीं है। तो विपक्ष में क्या बातें हो रही है, कितनी उम्मीद है विपक्ष को कि इस बार ईवीएम बंद हो जाएगा? पूरी उम्मीद है कि या तो ईवीएम बंद होगा और या कि पीपेड पर्ची की गिनती होगी, और नहीं तो जनता जो है अब ईवीएम को जलाएगी, ईवीएम से चुनाव कराने नहीं देगी। जनता क्यों जलाएगी ईवीएम? जनता ही नेतृत्व करती है, आज़ादी की लड़ाई चलती रही, नेता के मत्थे नहीं होता है। जब ताकत जनता की बनती है तभी वो माप बनता है। आज़ादी की लड़ाई में नेता नेतृत्व कर रहे थे लेकिन ताकत जनता की थी, अरे 100 साल लगे, लेकिन जब जनता सड़क पे आ गई, जनता अपने हैसियत में आ गई, तो फिर देश आज़ाद हो गया। तो जनतंत्र से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो आप सुन सकते हैं लगातार जो है ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 3 महीने जो है वो बेहद काफ़ी होता है ईवीएम को बैन करने के लिए और बैलेट पेपर छपवाने के लिए, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये 3 महीने में हो जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है अभी भी रणनीति तैयार कर रहा है और इस पर काम करने के लिए सोच रहा है, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि विपक्ष ज़्यादा स्लो है। और ये भी विपक्ष के लिए सवाल उठता है कि अगर सत्ता बेलगाम है तो उसमें विपक्ष की गलती है, विपक्ष जो है उतना मुखर होकर किसी भी मुद्दे पर आता ही नहीं है सामने। नहीं, विपक्ष जो है जनतंत्र पर विश्वास करता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करता है, इस वजह से जो है अगर उसकी विचारधारा नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी से रिखी होती, उसको देश नहीं मानना है, विचारधारा नहीं मानना, संविधान नहीं मानना है, कानून को नहीं मानना है, तो चाहे जिस तरह से जब बात करते रहो, तो विपक्ष जो है मर्यादा में रह करके काम करना चाहता है, संवैधानिक दायरे में रह करके काम करता
चाहता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम करना चाहता है। इस वजह से ऐसा लगता है कि माने विपक्ष जो है कमजोर है, विपक्ष माने काम नहीं कर रहा। लेकिन धरना देना, सड़क पर आना भी तो लोकतांत्रिक अधिकार ही है, और जनता कह रही है कि तुम आओ सड़क पर, हम है तुम्हारे साथ। धरना भी दिया जा रहा है, धरना भी दे रहे हैं लोग, और धरना भी दिया जाएगा। सड़क पर कोई नहीं उतर रहा ईवीएम के? नहीं, सड़क पर भी उतरेंगे। आप देखिए, थोड़ा इंतजार करिए, जल्दी सड़क पर उतरेंगे लोग। तो अभी प्लानिंग है कि जनता भी उतरेगी। हाँ, तो प्लानिंग है अभी कि सड़क पर उतरेगा विपक्ष जो है, और ये अभी तैयारी करी जा रही है। और इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।